का अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा तीसरा उमरा है। अल्लाह हाफिज। काबे शरीफ एकदम सामने ही है भाई, पहले सब में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग दोनों ही खड़े हैं जन्नत के दरवाजे पे और बहुत अच्छा मंजर है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, what's up? Guys, सबसे पहले तो आप सभी को रमजान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा तीसरा उमरा है। मैं जा रहा हूँ अभी एयरपोर्ट और मेरा अवतार देख के तो आप समझ ही गए होंगे। सुबह के अराउंड 7 बज रहे हैं, घर वाले सभी है, उन लोगों ने मुझे मना किया है उनको लेने के लिए, तो मैं उन्हें नहीं ले सकता हूँ, बट अब वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पीछे से देखने की। तो मैं हूँ, साजिद भाई है और फैजी है, हम लोग तीन लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं, अल्लाह हाफिज। जी कितना एक्साइटेड है भाई? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब अपनी बहुत ज़्यादा ट्रिप हो गई हम लोग के साथ में, बट ये जो ट्रिप है ना, मतलब सबसे बेस्ट रहने वाली है। इस तरह हम लोग अजमेर जाते 31st में, इंशाल्लाह हम लोग की नीयत है कि हम लोग रमज़ान में भी इसी तरह जाए उमरा पे। हाय गाइस, हमारी सीट चेंज हो चुकी है, साजिद भाई साइड बैठ गए और मैं दिलाया बैठ गया हूँ। कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैं उमरा पे जा रहा हूँ रमज़ान के महीने में। सो लेट्स गो। चार घंटा सो लिया गाइस, 5 घंटे की तो फ्लाइट थी। हमें कहा गया कि मीकात क्रॉस कर लिया गया है, तो जिन जिन लोगों ने नियत नहीं किया तो नियत कर लें। तो गाइस जब हम उमरा करते हैं ना तो हम नियत करते हैं। अभी जैसा है ना, ये हम पहन लिए ना अहराम, तो इसकी बहुत पाबंदी है। अभी मैंने नियत कर लिया हूँ, जैसे अगर मेरा एक बाल का टुकड़ा भी इस पर गिरता है तो मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ हमें बकरा हलाल करना पड़ता है, तो ये भी है। और फिर उसके बाद में 3 बार हमें ये पढ़ना पड़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नीचे का जो माहौल है इतना खूबसूरत है और इतना अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। सो आ गई है हमारी गाड़ी। असगर भाई कैसे हो, मुझे याद किए? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। काबे शरीफ एकदम सामने ही है भाई, अपनी नज़र को नीचे रखेंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे तो पहली नज़र में जब काबे शरीफ को देखेंगे वो पूरा दीदार करेंगे इंशाल्लाह। दुआ मांग लूँगा, सब चीज़ कर लूँगा, फिर आप लोगों को काबे की ज़ियारत करा दूँगा इंशाल्लाह। हम लोग गेट के बाहर खड़े हुए हैं, अभी बस मगरिब की जमात बनने वाली है, मगरिब की अजान होने वाली है कुछ वक्त में। जब भी नमाज का वक्त होता है तो उसके एक आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाता है, तो हम लोगों को एंट्री नहीं मिलती है। बट अच्छी बात यह है कि हम लोग ये खजूर खाएंगे इंशाल्लाह और थोड़ा सा पानी पियेंगे, हमारा उमरा स्टार्ट करेंगे। हाय गाइस, तो मैं अभी अपने रूम में आ गया हूँ और हम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा उमरा किए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत लेट हो गए थे, तो हम लोग जल्दी से नीचे होटल पे आए और खाना खाए। खाना इफ्तारी वही साथ में किए क्योंकि हम लोगों को इफ्तारी नहीं करने मिली, तो हम लोग एक खजूर और एक पानी की बॉटल लेके गए थे। हम लोग वहीं अजान हुई, वहीं बाहर बैठे हुए थे, जल्दी से रोज़ा खोले और हम लोग अपना उमरा शुरू कर दिए थे। गुड नाइट गाइज, मेरे पास 2 घंटा है, सो के उठना है, सहरी करना है, फजर की नमाज़ पढ़ना है और फिर सोना है और फिर उठ के फिर उमरा करना है, तो उसके लिए मस्जिद आयशा जाना पड़ेगा। बाय गाइज। हाय एवरीवन, तो अभी मैं गाइज टैक्सी लूँगा और मैं जाऊँगा यहाँ से मस्जिद आयशा। आज मैं एक और उमरा कर रहा हूँ माशाल्लाह और इंशाल्लाह, पहले मुझे मस्जिद आयशा जाना है, वहाँ पे जाके मुझे दूसरे उमरा की नियत करनी है, नमाज़ पढ़नी है 2 रकात, और फिर उसके बाद में मैं वापस आऊँगा हरम में। आज मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊँगा और बताऊँगा क्या है प्रोसेस, कैसा है, बट मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मैं हरम में रहूँगा, तो हरम का एहतराम करूँगा। तो आना है, तवाफ़ करना है और उसके बाद तवाफ़ करने के बाद 2 रकात नफिल पढ़नी है, नफिल पढ़ने के बाद में मैं जाऊंगा सीधा सफ़े मरवा पे। सफ़े मरवा पे जाने के बाद में मैं 7 चक्कर लूँगा सफ़े मरवा का और वो कंप्लीट करने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ूँगा। सर कैसी खूबसूरती है सफ़े मरवा की, और कुछ नहीं गाइस, बस लेट्स गो।
क्या नाम है आपका? हम नाम है हाँ इस्माइल। सो गाइस हमारे साथ इस्माइल भाई है और ये बर्मा से है और इनकी जो पैदावार है वो सऊदी की है। तो ये हमें मस्जिद आयशा लेके जा रहे हैं। नंगे पैर चल रहा हूँ, धूप में चटके लग रहे हैं जोर से। हम लोग अभी मस्जिद आयशा पहुँचे हैं। हम लोगों ने जोहर की नमाज पढ़ी और हम लोगों ने दो रकात जो नफिल नमाज थी उमरा की नियत की वो भी पढ़ ली है माशाल्लाह। आप लोगों को मैं मस्जिद आयशा दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सातों चक्कर हो गए और मेरा आधा उमरा हुआ है। अभी मेरा सफ़े मरवा बचा है तो अभी मैं जा रहा हूँ सफ़े मरवा पे। और जैसे कि आप देख सकते हो वो ऊपर लाइट दिख रही है आपको, ये लाइट। सो गाइस ये जो लाइट है यहाँ पे आके हमें पहले नियत करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे आके 7 राउंड लेना है और 7 राउंड लेने के बाद में जो काबे का जो इसका पीछे का हिस्सा है वहाँ पे हमें एक दुआ पढ़नी होती है। रब बना आतीना फिर दुनिया हसनतों फिर आखिरत हसनतों वो फिर अज़ाब अल्लाह। वहाँ पे उस हिस्से पे 70,000 फरिश्ते होते हैं जो ये दुआ पढ़ने पे आमीन बोलते हैं। तो कौन से फरिश्ते की जो आमीन है वो एक्सेप्ट हो जाए और हमारी आखिरत की मफ़िरत हो जाए। उसके बाद हम लोग ने 2 रकात नमाज़ नफिल पढ़े। रोज़ा है तो हम जमजम का पानी नहीं पी सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं सफ़े मरवा की तरफ। मैंने ये वीडियो बना लिया क्योंकि जब मैं सफ़े मरवा एंटर करूँगा तो वहाँ से मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगा, इसलिए। हाई एवरीवन, हम लोगों का माशाल्लाह से 2 उम्रा हो गया है। आज हम लोग इंशाल्लाह 2 तवाफ़ करेंगे। तो मतलब हम लोग ने 3 दिन में 2 उम्रा और 2 तवाफ़ करा। और अभी हम लोग नीचे ही, ये जो टावर है इसके नीचे बहुत अच्छी मार्केट है, मैं आप लोगों को मार्केट दिखाऊंगा कैसी है। उसके बाद में हम लोग वापस ऊपर आएंगे, एहराम पहनेंगे और हम लोग नीचे तवाफ़ करने जाएंगे इंशाल्लाह। आज कोशिश करेंगे हम लोग के हम लोग काबे शरीफ के सामने बैठ के अपना रोज़ा खोलें इंशाल्लाह हरम में। So let's go. So guys, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे जो टावर है वो टावर के नीचे एक बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर है पूरा। तो मैं अभी वो शॉपिंग सेंटर में आया हूँ और इसके नीचे एक फ्लोर और ऐसी सेम है और इसके नीचे एक फ्लोर और ऐसी सेम है। यहाँ पे मेरे दोस्त लोग हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ये फैसल ऐसा अंगूठी दिखा रहा है सबको, भाई दिखाओगे आप? तो गाइस मैं इमरान भाई को दिखा रहा हूँ कि इमरान भाई कोई अच्छी सी अंगूठी पसंद कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना कि अपने को क्या करना चाहिए मालूम है, ये सब पत्थर उठा लेना चाहिए अच्छे अच्छे और अपने को अंगूठी वही बना लेना चाहिए चांदी। तो गाइस मुझे बहुत अच्छा मसाज मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ अब मुझे मसाज करना चाहिए तो मैं मसाज कर रहा हूँ। और ये 50 रियाल में 10 मिनट का मसाज मिल रहा है, पहले तो 50 रियाल का 30 मिनट का मिल रहा था, यानी एक मिनट में 10 रियाल देना पड़ रहा था। मतलब अच्छा है कि मुझे 5 मिनट और एक्स्ट्रा मिल गए। लेट्स गो। अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हम लोगों को पहली सफ में बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब का वक्त है, हम लोग रोज़ा खुलने वाले हैं। ये हमें इफ्तारी करने के लिए मिला हुआ है गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह पहली सफ में बैठे हुए अल्लाह का लाखों करोड़ों एहसान है। पिछले साल भी अल्लाह ने मगरिब के वक्त रोज़ा खुलवाया था पहली सफ में और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पहली सफ में हम लोग बैठे हुए हैं। जी कैसा था एक्सपीरियंस? हाँ ऐसा लग रहा है दब गए पूरा, कम से कम 200-400 लोग दबा दिए हम लोगों को। अजान हुई, हम लोग ने नमाज़ पढ़े जमात के साथ, अजान पे रोज़ा खोले, काबे शरीफ के सामने इतना अच्छा लग रहा है और इतना खुशी महसूस हो रही है। और वही मेन गेट से हम लोग एग्जिट भी कर रहे हैं गाइस, मज़ा आ गई। और सबसे इम्पोर्टेंट, नमाज के बाद हम लोग को यकीन ही नहीं था कि हम लोग जन्नत का दरवाज़ा हम दोनों ही खड़े
हम लोग दोनों ही खड़े हैं जन्नत के दरवाजे पे और चूम रहे और दुआ मांग रहे हैं कम से कम 4-5 मिनट। पहली बार ऐसा था कि मैं जन्नत के दरवाजे पे जाके खड़ा हुआ हूँ, अभी तक नहीं खड़ा हुआ। हाँ। अभी हम लोग तवाफ करने गए थे, हम लोग का 2 उम्रा हो गया, अभी तवाफ करने गए थे। तवाफ इसलिए करने गए थे क्योंकि हम लोगों को रोज़ा खोलना था, वहीं पर बैठ के। हाय गाइस, ये हमारा लगेज है और अभी यहाँ पे सुबह के 11 बज रहे हैं। हमें कैसे भी करके गाड़ी में बैठना है और निकलना है यहाँ से मदीना शरीफ के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं मदीना शरीफ के लिए गाइस। हम लोग को यहाँ सर्विस लिफ्ट से निकाला गया है क्योंकि ऊपर यहाँ पे ना लॉबी में बहुत फैन है। कल से मैंने बहुत सारी फोटो खिंचा लिया हूँ। मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो? क्या नाम है? मेरा हामिद नाम है। हामिद कहाँ से हो? सिंध से। सिंध कहाँ पे? सखर कराची। कराची पाकिस्तान? ठीक हो? सब सही हो गया। क्या ठीक हो भाई? आपने कम से कम 20 बार ठीक हो बोल दिया। सो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं मदीना के लिए, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। और ये हमारी गाड़ी है GMC और हम जा रहे हैं अभी मदीना की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये नाम का रोड है, किंग फैशल रोड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको मिलाता हूँ। मासिम भाई कैसे हो? हम बढ़िया। मासिम भाई मस्त एकदम बढ़िया। हमेशा जब भी हम लोग मदीना आते हैं मासिम भाई हम लोगों को होस्ट करते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों को मक्का में भी होस्ट किए थे और इस बार हम लोगों को मदीना में भी होस्ट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को रूम का टूर करा दूँ गाइस। ये अभी बेड को यहाँ पे से शिफ्ट कर देंगे क्योंकि हम लोग 3 लोग हैं, इसलिए हट जा भाई। ये डाइनिंग है, अरे वाह, ये भी वॉशरूम है, ये एक बेडरूम है, ये पता नहीं क्या है, ये एक बेडरूम अलग है। इधर पे लाइव वीडियो चल रही है गाइस, अंदर हम देखते रहेंगे कितना क्राउड है क्या है। ये रहा मैं। उसके बाद हमें यहाँ से माशाल्लाह व्यू देखने मिलेगा हरम का। तैयार होते हैं और हरम चलते हैं गाइस, लेट्स गो। माशाल्लाह हम लोग की होटल और ये होटल के सामने हरम। साजिद का भाई टोपी ले लेते, टोपी। हम लोगों ने टोपी ले ली है। सो गाइज, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो इतने बड़े बड़े अम्ब्रेला है ये खुलते हैं और बंद होते हैं। जो नमाज पढ़ने का एरिया है वहाँ पे ऊपर जो छत है वो भी गुम्बद जैसी बनाई हुई है उन लोगों ने, तो भी खुलती और बंद होती है, बट वो जोहर के वक्त होती है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ रोज़ा खुलने के लिए। और माशाल्लाह इधर पर इतना अच्छा इफ्तार मिलता है, वो दही और वो ब्रेड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं इफ्तारी भी करूँगा और आप लोगों को भी दिखाऊँगा। सो गाइज, मुझे मास्क पहनना पड़ गया क्योंकि यहाँ पे जो फ़ैन है ना, यहाँ पे फैंस 2x है। मक्का में भी फैंस बहुत थे बट इधर पे बहुत ज़्यादा है। और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि यार लोग जो नियत से आते हैं यहाँ पे फ़ोटो वीडियो करने लग जाते हैं, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं मास्क पहन के ही घूमूंगा, पूरी कोशिश करूँगा और मास्क पहनूँ। ये लेफ्ट देख रहे हो आप, यहाँ से लेफ्ट लेके लेफ्ट लूँगा तो मैं पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। भाई मदीना में मेरा एक दोस्त है, मैं इससे मिलने आया हूँ। कैसा है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप कैसे हो? मस्त एकदम बढ़िया। कैसा चल रहा है काम? आप बहुत ज़बरदस्त यार, आपको देखा। क्या बात है यार मेरा भाई, तू ऐसी तरक्की करो, ऐसी काम करते रहे माशाल्लाह। इसकी शॉप देखो, आप लोगों को अगर कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ इनकी शॉप को विजिट करना। ये रौदा रॉयल के एकदम राइट में ही है, मेरे भाई से भी ज़रूर आके मिलना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हो आप सब? अभी हम लोग का आज दूसरा दिन है मदीना शरीफ में। हम लोग अभी तक कहीं बाहर गए नहीं हैं, हम वापस से रोज़ा रसूल में जा रहे हैं। सलाम पेश करेंगे इंशाल्लाह, कुछ नफिल नमाजें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में वापस हम लोग यहाँ आएंगे और फिर जाएंगे आज मस्जिद कुबा। बारिश का पानी मदीना शरीफ में। सो गाइस, अभी हम लोग अंदर रोज़ा रसूल में सलाम पेशी करने जा रहे हैं और माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। इधर पर बारिश भी हो रही है और बहुत अच्छा मंजर है। ये हमें मिला है, इसके साथ में ब्रेड मिलेगा और बहुत मुश्किल से अंदर आने मिला। आप देख सकते हो गाइस कितना खूबसूरत नज़ारा है अंदर। सो गाइस, अभी हम लोग मस्जिद कुबा आए हैं। मस्जिद कुबा में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ने से हम लोगों को
उम्रा का सवाब मिलता है माशाल्लाह। मेरा मन तो बहुत है कि मैं अभी यहाँ पे रोजा भी खोल लूँ, बट हम लोगों को एक जगह और एक्टिविटी के लिए जाना है तो हम नहीं रुक पाएंगे। सौदा है और जाएंगे शायद इसके बाद। गाइस जैसे कि कल आपने देखा कि कितनी बारिश हो रही थी और आज माशाल्लाह इतना ब्राइट और इतना सनी डे है और फाइनली हम लोग जा रहे हैं रियाजुल जन्ना में नमाज़ पढ़ने। रोज़ा भी यहीं खोले इंशाल्लाह क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन है। यार अच्छा नहीं लग रहा है कल वापस जा रहे, इतना ऐसा लग रहा है कि कल ही तो आए थे। हाय गाइस असर का वक्त हो गया है और हम लोग जा रहे हैं जन्नतुल बकी में। ये वो जगह है गाइस जहाँ हर मुसलमान चाहेगा कि उसे याद अपनाया जाए। मैं खुद चाहूँगा कि मुझे याद अपनाया जाए। मदीने में अगर दफना दिया जाए जन्नतुल बकी में तो वो बहुत नसीब वाला होता है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गाइस जन्नतुल बकी कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोगों की तादाद है गाइस। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग आज यहाँ पे रोज़ा खोल रहे हैं और वैसे तो हम लोग पिछले 3 दिन से यही रोज़ा खोल रहे हैं, बट हम बहुत खुशनसीब है कि हमें हुजूर पाक के रोज़ा के सामने हमें रोज़ा खोलने मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो माशाल्लाह। ये हो गई है हमारी जाने की तैयारी शुरू। कैसा लग रहा है? सुबह हमारी फ्लाइट है अराउंड 6 बजे की, यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट है तो कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हम लोग जाएंगे। मुअज़्ज़िन भाई फॉर द हॉस्पिटैलिटी ब्रो, और इंशाल्लाह अभी मिलेंगे जरूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आओगे नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू भाई, अल्लाह हाफिज़।